सहा षटकांचा हा सामना इथे खेळवला जाईल। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पाहुण्यांचं मी श्रीकृष्ण मित्र मंडळाच्या वतीने दिलीप स्मृती चषक 2024 मध्ये हार्दिक 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 स्वागत करतोय। ग्रामीण ट्रेनेस क्रिकेट यांच्या वाहिनीद्वारे या स्पर्धेचं सर्व प्रक्षेपण केलं जात आहे आणि त्याचे सर्व आहेत तेजस भोईर यांना जेवढं धन्यवाद तेवढं कमी आहे। खरोखर तेजस अगदी वाखाणण्याजोगं काम आपण करताय, कारण की प्रकाश दादाच्या घरी जेव्हा आपण आता जेवायला गेलेलो तेव्हा 3 दिवसापासून पाहतोय, अगदी जबरदस्त क्लियरिटी आहे या चॅनलची आपल्या। खरोखर आपण फार पुढे झाले याच्यामध्ये कुठली शंका नाही आहे, कारण की बघा टेनिस क्रिकेट आज कुठल्या उंचीवर जाऊन पोहोचलाय। आज करण आंबाल्यासारख्या खेळाडूला जर 27 लाखाची बोली लागते तर फार मोठी गोष्ट आहे आपल्या टेनिस क्रिकेटसाठी। येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपली ही टेनिस क्रिकेटचे जे खेळाडू आहेत ही मुलं आहेत हे निश्चितच पुढे चांगलं काम करताना किंवा भारतीय संघामधून खेळताना आपल्याला दिसतील। बघूया येणारे दिवस हे आपल्या खेळाडूंचं भवितव्य ठरवणारे असतील। दोन्ही संघाच्या 12 खेळाडूंना माझी विनंती आहे की व्यासपीठावरती या। हॅलो, तर खेळाची सुरुवात होते। गोठवली 11 गोठवली संघाच्या कर्णधार रोहित म्हात्रेने टॉस जिंकलाय आणि आमंत्रित केलंय गावदेवी शिरवणे या संघाला फलंदाजीसाठी। 6 षटकांचा हा सामना येथे खेळवला जाईल। आमचे मित्र विघ्नेश मडवी इथे 2 दिवसांपासून क्रिकेट कॉमेंट्री करत होते, त्यांना जू गावात नाईट स्पर्धेला जायचं आहे कॉमेंट्री करण्यासाठी, त्यामुळे त्यांनी येथून आपला सर्वांचा निरोप घेतला आहे। पण काय जबरदस्त क्रिकेट कॉमेंट्री त्यांनी येथे 2 दिवस केली, त्याबद्दल त्यांचं मी श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवाक कोळीवाडा यांच्या वतीने आणि खास करून आमचे प्रकाशदादा मडवी यांच्याकडून फार फार आभार मानतोय। हॅलो 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 चेक हॅलो खेल की शुरुआत होने जा रही है। सुस्वागतम 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 ओम गणगणपते देवा नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुरुम देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा के शुभ नाम से इस मैच की शुरुआत करते हैं नारायण दादा, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। आदरणीय श्रीकृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा के सर्वे सर्वा प्रकाश जी मडवी जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। प्रकाश किशन मडवी दोस्ती चा दुनियातला राजा माणूस और ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए नया ओवर की शुरुआत, पहले ही गेंद यहाँ पे खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में मोटा सिरा लगा और विकेट के पीछे विकेट कीपर रुणाल म्हात्रे ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से प्रथम पहली गेंद के ऊपर स्वराज म्हात्रे की नीचे रहती हुई गेंद, उस गेंद को कवर ड्राइव करने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के मोटे सिरे से लगी और बिल्कुल निचला कैच यहाँ पे लपक लिया रुणाल नारायण म्हात्रे जी ने और शून्य के कुल योग पे यहाँ पे पहला झटका पहुंचा है गावदेवी शिरवणे टीम को। टॉस जीता है गोठवली 11 गोठवली के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है यहाँ पे गावदेवी शिरवणे टीम को बल्लेबाजी के लिए।
मंच पे विराजमान सभी मेहमानों का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कुलीवाड़ा आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1,00,000 रुपये नकद और आकर्षक ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 50,000 रुपये नकद और बेहतरीन ट्रॉफी। तो एम्पायर उदय तांडेल कुछ इशारा कर रहे हमारे पैवेलियन की तरफ। तेजस जा रहे नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच पे। जितेश गए नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है। क्षेत्ररक्षण देखिए, रुणाल मात्रे विकेट के पीछे खड़े, एक फ्लाई स्लिप है, नीलेश पाटिल जी वहां पे खड़े, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण। स्वराज मात्रे की ये गेंद देखिए, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद, आउट स्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े जितेश ने खेलने का प्रयास किया था और लेकिन भाग्यशाली रहे, गेंद ने बल्ले का सिरा नहीं लिया, वरना नीलेश पाटिल फ्लाई स्लिप में खड़े और रुणाल मात्रे विकेट के पीछे खड़े। फिर एक बार स्वराज मात्रे दानिया से ओवर द विकेट, ये इस बार उंगलियां फेरी थी और ये गेंद बल्ले का मोटा सिरा लिया, विकेट कीपर ने कैच लपक लिया, दूसरा कैच रुणाल नारायण मात्रे जी ने लपक लिया और इस तरीके से बैक टू बैक दो छटके दिए यहां पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा, देखिए कितनी गेंद में गति है और उससे भी ज्यादा बात यह है कि ये जो खिलाड़ी है स्वराज प्रहलाद मात्रे जी, ये गेंद के गति में निरंतर बदलाव करते हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी इतने ऊपर जाके बैठा है टेनिस क्रिकेट जगत में, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी, दो विकेटों का पतन हुआ है, स्कोरबोर्ड के ऊपर एक भी स्कोर नहीं है, शून्य के कुल योग पे दो झटके दिए, दो बड़े जख्म दिए, गहरी चोट पहुंचाई है यहाँ पे स्वराज मात्रे ने। गाऊदेवी सानपाड़ा टीम, गाऊदेवी शिरोने टीम को बिल्कुल पहले ही ओवर में क्या घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां पे बैकफुट पे ढकेल दिया है गाऊदेवी शिरोने टीम को। स्वराज मात्रे फिर एक बार इस ओवर में चौथी मरतबा, इस बार ये गेंद लेग आउट मिडिल स्टंप पे गेंद थी, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, महबूब ने इस गेंद को ऊपर उछलते हुए हल्के हाथों से 30 गज के दायरे के अंदर खेला, जहां पे नीलेश क्षेत्ररक्षण कर रहे उन निखिल ने गेंद को रोका और इस तरीके से एक रन की वृद्धि हुई है गाऊदेवी शिरोने टीम के स्कोर में। गाऊदेवी शिरोने टीम का कुल स्कोर है 2 विकेटों के पतन के बाद 4 गेंदों के समाप्ति हुई, 2 विकेटों का पतन हुआ है, 1 रन। स्वराज की ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पर निकलते हुए ऑफ ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद आ रही है, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात थे, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज विराज ने। इस 1 रन के साथ गाऊदेवी शिरोने टीम का कुल स्कोर है 2 रन 2 विकेटों के पतन के बाद, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे है और पहले ओवर की ये अंतिम गेंद। बहुत अच्छी गेंद देखिए, कुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, इन कटर गेंद थी और खेलने का प्रयास किया, मोटा सिरा लगा और विकेट के पीछे रुणाल मात्रे ने ये तीसरा कैच लपक लिया। एक ही ओवर में यहां पे 3 विकेट प्राप्त किए हैं स्वराज मात्रे ने और गहरी चोट पहुंचाई है यहां पे अगर देखा जाए तो गाऊदेवी शिरोने टीम को। एक के पीछे एक खिलाड़ी आउट होकर वापस जा रहे हैं, अपने डग आउट में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, यहां पे अगर देखा जाए तो गाऊदेवी शिरोने के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। मंदार
काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बंदर देखते हैं अब बल्लेबाजी किस तरह की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 50 रन तो बनाने होंगे गावदेवी शिरव ने टीम को, अगर इस मुकाबले में वे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे शुरू है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कुलियोड़ा आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024, ये 57वां वर्ष है और सचमुच जितनी भी प्रशंसा श्री कृष्ण मित्र मंडल की जाए उतनी कम है। अब तीनों को तीनों कैच जो है ये विकेट के पीछे रुणाल नारायण मात्रे जी ने पकड़े और वही रुणाल मात्रे यहाँ पे गेंदबाजी के लिए उनको तलब किया जा रहा है, थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज इस बार विराज जो कि एक रन के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद फिर एक बार नीचे रहती हुई गेंद लेंथ गेंद थी और गेंद बल्ले से लगने के बाद घोषित क्षेत्र में गई स्वराज मात्रे के पीछे की तरफ, विकेट के पीछे एक रन की घोषणा की है एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी ने। इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर है 2 रन गावदेवी शिरव ने टीम का, 3 रन है कुल स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार ऑफ ड्राइव किया है, गेंद जा रही है स्वीपर कवर रीजन में, वहां पे एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने, कुल स्कोर है 4 रन गावदेवी शिरव ने टीम का खेलते हुए गोठिवली 11 गोठिवली टीम के साथ। रिक्शा तिथुन काड़ा रिक्शा रुणाल मात्रे गेंदबाजी कर रहे, नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, मंदार कुल स्कोर है 4 रन गावदेवी शिरव ने टीम मैदान में उतरी है टॉस हारने के बाद गोठिवली 11 गोठिवली टीम के साथ खेलते हुए। ये चरे रुणाल, इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को हुक मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे खेला था, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ रही है इस गेंद को हुक कर दिया था, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर चले गई। 10 रन है कुल स्कोर, मंदार के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर। रुणाल मात्रे गेंदबाजी कर रहे, दानिया से ओवर द विकेट, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को कलायों के सारे मोड़ दिया था फाइन लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में, जहां पे हमारे एम्पायर गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे एक रन का, एक रन के साथ कुल स्कोर 11 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। कृष्णा सातपुत्र को देखिए 11 लाख की बोली लगी है, ये गेंद इस बार वाइड यॉर्कर गेंद थी, देखते रह गए मंदार और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी 11 के कुल योग पे अटका हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पे, पावर प्ले का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन। नो बॉल की घोषणा की है क्योंकि कमर से ऊंचाई की तरफ यह गेंद गई थी और अंतरराष्ट्रीय नियम के मुताबिक बिल्कुल सही निर्णय यहां पे एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी का। कुल स्कोर है 18 रन, ये फ्री हिट की गेंद है, दूसरा ओवर प्रगति पे, 3 विकेटों का पतन हुआ है। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे मंदार, सराहना करना चाहूंगा उनकी, मैं बहुत ही उमदा खेल का प्रदर्शन कर रहे मैदान के बीच में। देखिए विपरीत परिस्थिति में बल्लेबाजी के लिए गए थे, 3 विकेटों का पतन हुआ था और उसके बाद अब स्कोर है 24 रन, 3 विकेटों के पतन के बाद। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवरों के समाप्त के बाद कुल स्कोर है 24 रन जबकि 3 विकेटों का पतन हुआ है टीम गावदेवी शिरव ने का। तो इस तरीके से 2 ओवरों के समाप्ति के बाद अब कुछ ठीक ठाक स्कोर नजर आ रहा है अगर देखा जाए तो गावदेवी शिरव ने टीम का। देखते हैं गावदेवी शिरव ने टीम एक जुझारू टीम है, काफी तेजी के साथ उभर के ऊपर की तरफ आई है ये टीम।
अगर यहाँ पे ये क्रिकेट प्रतियोगिता जीतते हैं दिलीप स्मृति चषक 2024 का मुकाबला, तो निश्चित रूप से इनके गांव में, शिरोने गांव में जश्न मनाया जाएगा, दिवाली मनाई जाएगी। देखते तगड़ी टक्कर है उनकी, गोठियोली 11 गोठियोली बिल्कुल मंजा हुआ ये क्रिकेट का मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। और ये बोल्ड चारों खाने चीत हो गए यहाँ पे बल्लेबाज विराज। ये गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, मिड स्टंप पे यॉर्क फेंका था स्वराज मात्रे जी ने, और इस तरीके से यहाँ पे विराज कुछ भी समझ नहीं पाए और इस तरीके से ये चौथा झटका पहुंचा है। कुल स्कोर है गाउदेवी शिरोने टीम का 24 रन 4 विकेटों के पतन के बाद, और 4 के 4 विकेट जो है ये स्वराज मात्रे ने यहाँ पे अर्जित किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी घातक और उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे स्वराज मात्रे। अब तक 2 रन खर्च किए हैं स्वराज मात्रे ने और 4 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कहर डाल रहे हैं मैदान के बीच में। श्री कृष्ण मित्र मंडल के सर्वा श्रीमान प्रकाश जी मंडवी जी हमारे अजीज दोस्त यहाँ पे विराजमान है, मैच का लुफ्त उठा रहे। और क्या यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है, श्री कृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलियोड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024, ये 57वां वर्ष है और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता। 3 दिन में यहाँ पे श्री कृष्ण मित्र मंडल ने सिर्फ 16 टीम को एंट्री दी और आज देखिए 2 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, यानी कि 5 ही मुकाबले आज खेले जा रहे हैं। और दिवा कोलीवाड़ा एकमात्र श्रीकृष्ण मित्र मंडल है दिवा कोलीवाड़ा का, जिस मित्र मंडल के जरिए 6 ओवरों का मुकाबला हमेशा ही कोई भी क्रिकेट प्रतियोगिता में खेला जाता है। जय भवानी ग्रुप की तरफ से भी जो क्रिकेट प्रतियोगिता थी उसमें भी आदरणीय प्रकाश दादा ने मुझे आमंत्रित किया था, वहां पे भी 6 ओवरों का मुकाबला खेला गया था और 16 टीमों को एंट्री दी गई थी। उसी तरीके से ये मुकाबला, क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाती है खास करके दिवा कोलीवाड़ा में, आदरणीय श्री कृष्ण मित्र मंडल इनकी जानब से आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता। नए बल्लेबाज आए हैं प्रणीत, आते आते उन्होंने अपने बल्ले का बूक खोला, गेंद को स्केयर कर दिया है, थर्ड मैन रिजर्व में गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे की तरफ चलता हुआ 25 रन, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पे स्वराज मात्रे गेंदबाजी कर रहे। क्षेत्ररक्षण में अब तब्दीली किया जा रहा है, स्वराज प्रणीत के लिए इस बार बैकफुट पे गए और कवर पॉइंट रीजन में गेंद को खेला था, डीप कवर पॉइंट में क्षेत्ररक्षक है उन्होंने गेंद को रोका, तब तक दौड़कर 1 रन अर्जित किया है बल्लेबाज प्रणीत ने। अब स्ट्राइक जो है ये मंदार के पास है और कुल स्कोर है 26 रन गाउदेवी शिरोने का। स्वराज मात्रे कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का यहाँ पे अवसर नहीं दे रहे गाउदेवी शिरोने टीम को। अब देखते ये अच्छा बैटल होगा क्योंकि ये जो बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्राइक में है मंदार, जिन्होंने अब तक 3 सिक्सर अपने 19 रन के पारी में जड़े हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी आक्रामकता के साथ ये मैदान में उतरे है। बैक ऑफ द हैंड गेंद थी, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला था गली रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 27 रन गाउदेवी शिरोने टीम का। प्रकाश दादा से मैं दोपहर को सलाह मशवरा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि ये जो विकेट है हमारे सामने की तरफ जिसके ऊपर मैच खेला जा रहा है ये अक्टूबर में बनाई गई है, गोबर से थोड़ी सी उसको ठीक ठाक किया जाता है, वरना विकेट देखिए किसी टेस्ट मैच भी झक मारेगी इस विकेट के सामने, कोई टेस्ट मैच का विकेट नारायण दादा। इस बार ये गेंद देखिए परियोता की दौड़ पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे प्रणीत, पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद के गति को भाप नहीं पाए, धीमी गति की गेंद थी, बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी 27 के कुल योग पे अटका हुआ गाउदेवी शिरोने टीम का। स्वराज मात्रे गेंदबाजी कर रहे तीसरा ओवर प्रगति पे और अभी भी 1 अंतिम गेंद अनिशेष।
इस बार गेंद घोषित क्षेत्र में गई है, स्लिप रीजन में, और ओवर की समाप्ति हुई है। तीन ओवरों के समाप्त के बाद तीन विकेटों का पतन हुआ है और कुल स्कोर है 28 रन गाउदेवी शिरोवनी टीम का। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, जो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के जरिए हमसे जुड़े हुए या फिर हमारे मंच के ऊपर जो मेहमान है या फिर जो दर्शक माई बाप आज तीसरे दिन भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए, स्वर्गीय लक्ष्मण मांगलिया मड़वी धाकल्या बाबा, इनके स्मरणार्थ में अशोक मड़वी और महेश मड़वी जी की तरफ से प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, मालिकावीर, बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाज का इनाम यहां पे प्रदान किया जाएगा। उसी तरह से स्वर्गीय सौभाग्यवती अलका अभिमन्यु मड़वी, इनके स्मरणार्थ में परीक्षित अभिमन्यु मड़वी, इनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हर मैच के बाद यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। और जो हमारे क्रिकेट कॉमेंटेटर है उनको भी एक ट्रॉफी देने का काम आदरणीय परीक्षित अभिमन्यु मड़वी जी ने किया है, इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता दिल्ली स्मृति चषक 2024 की यहाँ पे खेली जा रही है, इसके लिए पहला इनाम है कैश प्राइज 1,00,000 रुपए नकद और आकर्षक ये ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद और ये बेहतरीन IPL फेम की ये ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा, क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। और श्रीकृष्ण मित्र मंडल जानता है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो इम्तिहान शुरू है, इसलिए यहाँ पे डीजे नहीं बजा गया, लगातार 3 दिनों से बिल्कुल धीमे गति से क्रिकेट कमेंट्री यहाँ पे हम लोग सुना रहे हैं। इसलिए अगल बगल में जो बच्चे खास करके पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं CBSE बोर्ड और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, उनके जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, उनसे हम लोग क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उनको निश्चित रूप से थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी। लेकिन श्रीकृष्ण मित्र मंडल को जो आपने सहकार किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खेल की शुरुआत होने जा रही है, चौथा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और रोहित मात्रे आ रहे हैं और उनके सामने मंदार। मिस टाइम हुआ है स्ट्रोक और ये कैच छूटा। मयूरेश ने ये कैच यहां पे छोड़ा। देखिए नारायण दादा बता रहे हैं कि सूरज है पश्चिम की तरफ और आप बता रहे हैं दक्षिण की तरफ, वायरला वरती लागला है बॉल वाटतं, त्याच्यामुळे ती कॅच पकडता आली नाहीये। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, इन दो रनों के साथ कुल स्कोर है 30 रन। गाउदेवी शिरोवनी टीम यहां पे आमंत्रित की गई है गोटेवली के कप्तान द्वारा और वही गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रोहित मात्रे। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टपा खाने के बाद तेजी के साथ लेग ब्रेक होती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े मंदार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम स्वराज मात्रे ने किया। स्वराज मात्रे ने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 6 रन खर्च किए और 4 सफलता प्राप्त की। क्या जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी की है स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। इस बार इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, शॉर्ट ऑन पुल कर दिया था, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, 2 रन जो कि बड़ा साबित हो सकता है, लेकिन थ्रो इतना खास नहीं रहा, 3 बाउंस के बाद थ्रो आया और स्वराज मात्रे बता रहे हैं कि नॉन स्ट्राइक में थ्रो करना चाहिए था, अपने स्ट्राइकर एंड में थ्रो क्यों मारा। और इस तरीके से 2 रनों की वृद्धि हुई है, 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 32 रन गाउदेवी शिरोवनी टीम का। गाउदेवी शिरोवनी टीम के पास गेंदबाजी का क्रम काफी बेहतरीन है, हमने पहले दिन यहाँ पे देखा था वही टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। देखते हैं ये चौथा ओवर प्रगति पे और कुल स्कोर है गाउदेवी शिरोवनी का 32 रन 4 विकेटों के पतन के बाद। ये चले रोहित मात्रे बायां से राउंड द विकेट,
इस बार ये वाइड यॉर्कर गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे मंदार। कवर रीजन में गेंद ने बल्ले का बारीक सिरा लिया और गेंद गई गली रीजन में घोषित क्षेत्र में एक रन के लिए। कुल स्कोर है 33 रन गावती हुई शिरोने टीम का एक रन के साथ। रोहित इस ओवर की ये पांचवी गेंद, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे, उनके सामने बल्लेबाज मंदार। इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, बैट बाउंस हुआ, गेंद बाउंड लाइन के पार चले गई। मंदार के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब यहां पे चौका और इस तरीके से चार रनों के साथ स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ यहां पे गावदेवी शिरोने टीम का 37 रन 37। जो भी गावदेवी शिरोने की तरफ से यानी कि शिरोने गांव से जो भी आज यहां पे भूमिपुत्र मैच का लुप्त उठाने के लिए आए हैं और गोठौली गांव के जो भी ग्रामस्थ यहां पे आए हैं, इन दोनों गांव के ग्रामस्थों का मैं श्रीकृष्ण मित्र मंडल दीवा कुलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। रोहित मात्रे गेंदबाजी कर रहे, उनके सामने मंदार, क्या जबरदस्त पारी सजा रहे यहां पे मंदार। यह अंतिम गेंद है, चौथा ओवर प्रगति पे है और इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को शॉर्ट मिड विकेट रीजन में खेल 30 गज के दायरे के अंदर, वहां पे क्षेत्ररक्षक है मयूरेश ने गेंद को रोका और एक रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। ओवर की समाप्ति हुई है, चार ओवरों के समाप्त के बाद कुल स्कोर है 38 रन चार विकेटों के पतन के बाद। अभी भी 12 गेंदे आनी शेष है और 12 गेंदों में देखते कितने रन और मुकम्मल कर पाने में यहाँ पे गावदेवी शिरोने के बल्लेबाज सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाली गेंदबाजी यहाँ पे तय करेगी। नारायण दादा आप तो जानते हो, जहाँ पे हमारे प्रकाश मड़वी जी रहते उनकी जो आड़ी है ये काफ़ी छोटी है और इसमें से ही उन्होंने श्रीकृष्ण दीवा की टीम खड़ी की है और आज देखिए श्रीकृष्ण दीवा की टीम बिल्कुल तहलका मचा रही है नवी मुंबई में। कई सारे क्रिकेट प्रतियोगिता दीवा श्रीकृष्ण दीवा कोलीवाड़ा की टीम ने जीते, क्या जबरदस्त टीम है। हालांकि टीम का जो फॉर्म है ऊपर नीचे होते रहता है लेकिन पहले तीन पायदान में ये टीम अगर जगह बनाती है श्रीकृष्ण दीवा गांव की तो ये बहुत बड़ी टीम है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है श्रीकृष्ण दीवा के खिलाड़ियों ने, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कभी कभार खिलाड़ियों का दिन खराब होता है और क्रिकेट में यही है, जो टीम अच्छा प्रदर्शन करती है जिसका दिन अच्छा होता है वही टीम विजयी होती है। यज्ञेश पाटिल आए नया ओवर प्रारंभ करते हुए और ये आउट दे दिया यहाँ पे पगबादा, अच्छे एम्पायरिंग किए भाई। यहाँ पे उदय तांडेल सर और गुरुनाथ पाटिल जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, क्या एम्पायरिंग किए ये दोनों भी एम्पायरों ने, सरसोले गांव के ये दोनों भी भूमिपुत्र और तीन दिनों से लगातार यहाँ पे एम्पायरिंग करते हुए नजर आ रहे, अपने जमाने के बहुत ही लाजवाब ये खिलाड़ी। इस तरीके से ये पांचवा झटका पहुंचा है, यहाँ पे आउट हो गए मंदार, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और पहली गेंद के ऊपर पांचवे ओवर के यहाँ पे यज्ञेश पाटिल ने सफलता प्राप्त की है। 12 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली जिसमें तीन गंगा चुंबी सिक्सर और एक चौका यहाँ पे ताना है मंदार ने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या जबरदस्त खूबसूरत पारी सजाई अपने टीम के लिए, क्या योगदान दिया मंदार ने। ये जो टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है गावदेवी शिरोने की टीम, 52 रन मुकम्मल किए थे पहले ही उद्घाटन समारंभ के मुकाबले में और श्रीकृष्ण दीवा जैसे तगड़ी टीम को उन्होंने बाहर किया था। काफी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है इस टीम के पास, अच्छे युवा खिलाड़ी है जिस तरीके से हम लोग पहले दिन से बात छेड़ रहे हैं, ये सारे युवा खिलाड़ी है, 25 वर्ष से कम उम्र के ये सारे खिलाड़ी, क्या लाजवाब क्रिकेट खेल रहे ये युवा खिलाड़ी गावदेवी शिरोने गाँव के। इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से खेला है, डीप कवर में गेंद जा रही है, एक रन दौड़ के अर्जित किया है। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में, अमर ने ये स्ट्रोक खेला था
और एक रन दौड़कर अर्जित किया। पांच विकेटों के पतन के बाद कुल स्कोर है 39 रन गावदेवी शिरोवने टीम का। यज्ञेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे दानियात से ओवर द विकेट, और इस बार देखिए ये गेंद सीधी विकेटों से जाके टकराई और इस तरीके से यहां पे बोल्ड आउट हो गए अमर। ये विकेट का पतन हुआ है, छठे विकेट का पतन हुआ है। प्रणीत आउट हुए, माफ करिए, प्रणीत आउट होकर वापस जा रहे अपने डग आउट में, और इस तरीके से यहां पे यज्ञेश पाटिल ने ये दूसरी सफलता अपने इस पांचवें ओवर में प्राप्त की है। कल्पेश मोरे जा रहे हैं नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। कुल स्कोर है 39 रन 39। देखते हैं अभी भी 9 गेंदे शेष है इस पारी के, और 9 गेंदों में यहां पे और कितने रन जुटा पाएंगे गावदेवी शिरोने के बल्लेबाज, ये देखना यहां पे लाजमी होगा, क्योंकि गोटिवली 11 गोटिवली नीलेश पाटिल एंड कंपनी की ये जो टीम है ये काफी तगड़ी टीम है। भिवंडी हो, रायगढ़ हो, ठाणे हो, हमारी नवी मुंबई हो, हर जगह में इस टीम ने, गोटिवली 11 गोटिवली की टीम ने काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला है, और बहुत 3 वर्षों में क्या इस टीम ने नाम कमाया, जितने भी इस टीम की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसलिए पूरा गांव आज उनके सपोर्ट में आज हमारे दीवा कोलीवाड़ा में यहां पे आया हुआ है अपने टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। यज्ञेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे, राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस बार ये वाइड यॉर्कर फेंकने का प्रयास, अपने दिशा से भटके, एम्पायर उदय तांडेल सर इशारा कर रहे अपनी लंबी बाहें फैलाकर वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 40 रन गावदेवी शिरोवने टीम का। ये पांचवा ओवर यहां पे प्रगति पे, यज्ञेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है कल्पेश। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, इन कटर गेंद अंदर की तरफ ले आए थे और बैक टू बॉलर खेला था यहां पे बल्लेबाज ने, अपने फॉलर थ्रू में थोड़े हड़बड़ाहट के साथ यहां पे गेंद को फील्ड किया था यज्ञेश पाटिल ने। ये जो युवा खिलाड़ी है, यह हर जो टीम होती है उसकी ताकत होती है, क्या खेल का प्रदर्शन किया है यहां पे गोटिवली के टीम ने। इस बार ये गेंद देखिए आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज उदय तांडेल सर इशारा कर रहे आउट का। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है यज्ञेश पाटिल जी ने इस ओवर में, उन्होंने अब तक 5 गेंदें फेंकी है जिसमें उन्होंने 3 सफलता प्राप्त की है और 2 रन खर्च किए। अभी भी 1 गेंद आनी शेष है इस पांचवें ओवर की, यानी कि 7 गेंदे कुल मिला के अभी भी बाकी है, और देखते इन 7 गेंदों में और कितने रन यहां पे जुटा पाते गावदेवी शिरोवने के बल्लेबाज। मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा श्री कृष्ण मित्र मंडला के आधार स्तंभ आदरणीय प्रकाश जी बड़वी जी से जब सलाह मशवरा कर रहा था, एक बॉल वाइड है इस ओवर में। देखिए मैं बताता हूं, पहले गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया, दूसरे गेंद के ऊपर 1 रन आया, तीसरे गेंद के ऊपर आउट हो गए, चौथी गेंद वाइड, वाइड के बाद वो डॉट आया और फिर आउट। एक ही वाइड है, पहला बॉल विकेट, बरोबर है नीलेश दादा कुठे गेले, रुणाल आपला 12वा खेळाडू आहे त्यांना माहिती आहे, रुणाल चालू करा। सात विकेट का पतन हुआ है, अभी भी 7 गेंदे आनी शेष है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन गावदेवी शिरोवने टीम का।
रोहित आए नए बल्लेबाज, जो उन्होंने ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ रिजर्व में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका और एक रन से नहीं रोक पाए। अब ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 41 रन, गावदेवी शिरो ने टीम का कुल स्कोर। अभी भी 6 गेंदें आनी शेष है और 6 गेंदों में देखते हैं और कितने रन यहां पे जुटाने में सफल हो पाते हैं गावदेवी शेरोने के बल्लेबाज। 7 विकेटों का पतन हुआ है। तो रोहित म्हात्रे जी को यहाँ पे तलब किया जा रहा है, स्वयं कप्तान आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और स्ट्राइक में है बल्लेबाज रोहित, जो कि 1 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वराज विकेट के पीछे, एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, कवर जहाँ पे नीलेश पाटिल जी खड़े, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड कर सकते हैं, ऑनसाइड में देखिए एक स्लिम इडॉन रखा हुआ है नजदीकी क्षेत्ररक्षक। इस बार गेंद को हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है और लाजवाब कैच लपक लिया मयूरेश ने और इस तरीके से यह 8वां छटका, 8वीं चोट यहां पे पहुंचाई है गावदेवी शिरो ने टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 41 रन, 8 विकेटों के पतन के बाद नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। सागर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी स्वराज म्हात्रे ने और ये परिस्थितियां जो दिखाई दे रही है गावदेवी शिरो ने टीम की पूरी तरह से अगर त्रस्त नस्त कर दिया है इनकी बल्लेबाजी को, तो मैं निश्चित रूप से स्वराज म्हात्रे जी की यहां पे प्रशंसा करना चाहूंगा जो विकेट के पीछे विकेट कीपिंग की भूमिका अदा कर रहे। उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 6 रन खर्च किए और 4 सफलता प्राप्त की। क्या जबरदस्त बॉलिंग एनालिसिस, 5 ओवरों के इस मुकाबले में 2 ओवर फेंकने का अवसर मिलता है उसमें क्या भारी गेंदबाजी की है। ये गेंद इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से खेला है, डीप कवर, बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रही है और यह 4 रन। सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, हालांकि गेंद ऑफ फॉर मिड स्टंप पे थी, बैकफुट पे गए और आड़े बल्ले से गेंद को यहां पे कट कर दिया था उन्होंने, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए गेंद 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 45 रन, 45 लॉस ऑफ 8 विकेट। अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है अंतिम ओवर प्रगति पे, रोहित म्हात्रे गेंदबाजी कर रहे। इस बार बल्ले के जड़ से खेला है गेंद को, स्वीपर कवर रीजन में गेंद गई, 1 रन दौड़ के अर्जित किया बल्लेबाज सागर ने और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 46 रन गावदेवी शिरो ने टीम का। अब स्ट्राइक में जा रहे अमर, अमर के पास क्षमता है लंबे लंबे सिक्सर जड़ने की, देखते हैं अमर क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। अभी भी 3 गेंदे, अंतिम 3 गेंदे आनी शेष है इस पारी की। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है दिलीप स्मृति चषक 2024 का, श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता। इस बार इस गेंद को अमर खेलना चाहते थे कवर रीजन में, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और स्लिप क्षेत्र में गेंद गई, 1 रन की वृद्धि हुई। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है गावदेवी शिरो ने टीम का 47 रन, 47। अभी भी 2 अंतिम गेंद आनी शेष है, रोहित म्हात्रे गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने अमर। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर गेंद और यह 4 रन। अमर के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, इस तरीके से ये 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 51 रन, 51 गावदेवी शिरो ने टीम का।
अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है। रोहित मात्रे गेंदबाजी कर रहे, बायां हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे रोहित अमर के लिए, जिन्होंने अभी अभी एक चौका जड़ा है पिछली पांचवी गेंद के ऊपर। यह अंतिम गेंद इस पारी की, इस बार गेंद को पुल कर मारा है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंडलाइन के बाहर छह रन के लिए। और इस तरीके से अपने निर्धारित छह ओवरों में यहां पे रन अर्जित किए गाउदेवी शिरोवने टीम ने 57 रन और 58 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गोठिवली 11 गोठिवली टीम के सामने 58 रन। बघा प्रकाश दादा चांगली खबर येते इकडे, आपले आगरी कोळी समाजाचा आपला भूमिपुत्र केतन मात्रे यांना चेन्नई टीम ने 16.5 लाखांमध्ये खरेदी केलेला आहे। फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या आगरी कोळी समाजासाठी, कारण की ही जी मुलं आज इथे खेळतात यांचं देखील भविष्य उज्ज्वल आहे नारायण दादा। जर अशी बोली लागते आपल्या टेनिस खेळाडूंवरती तर खरोखरच या मुलांचं भविष्यतव्य जे आहे निश्चितपणे खरोखर उज्ज्वल आहे। येणाऱ्या दिवसांमध्ये या आपले नवी मुंबईतले खेळाडू देखील अशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांच्यावरती बोली लागताना दिसणार आहेत। तो 58 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पे गाउदेवी शिरोवने टीम ने जीतने के लिए गोठिवली 11 गोठिवली टीम के सामने। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024 ये 57वां वर्ष है और इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद और आकर्षक ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद और आकर्षक चमचमाती हुई ट्रॉफी। स्वर्गीय लक्ष्मण मंगल्या मडवी दाखल्या बाबा इनके स्मरणार्थ में अशोक मडवी जी और महेश मडवी जी की तरफ से प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, मैन ऑफ द सीरीज, बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाज का पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी तरीके से
कैलाशवासी सौभाग्यवती अलका अभिमन्यु मडवी इनके स्मरणार्थ में परीक्षित अभिमन्यु मडवी जी की तरफ से हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी दी जाती है ये आदरणीय परीक्षित अभिमन्यु मडवी जी की तरफ से यहाँ पे प्रदान की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। तमाम हमारे जो श्रोता इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आए मैदान में और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से जुड़े उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद के ऊपर ऑन ड्राइव किया है यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे के बल्ले से निकलता हुआ है ये लाजवाब चौका। प्रणीत गेंदबाजी कर रहे और पहले ही गेंद के ऊपर चौका जड़ दिया यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़े दस्ताने पहने हुए बैकवर्ड पॉइंट कवर और मिड ऑफ। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे ऑफसाइड में पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गति को नहीं भाप पाए थे यहाँ पे स्वराज मात्रे बिंदी गेंद। कुल स्कोर है 4 रन 58 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। इस बार फिर एक बार इस गेंद को पुल मारना चाहते थे गेंद अंदरूनी सिरे से लगी थी बल्ले के और वहीं के वहीं लुढ़क कर गई पिच के ऊपर अपने फॉलर थ्रू में प्रणीत ने गेंद को फील्ड किया और कोई भी रन नहीं बना। एक चौका मारने के बाद यहां पे बिल्कुल संतुलन रखा है अपनी गेंदबाजी में अच्छी वापसी की है मैं तो कहूंगा प्रणीत ने काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे धारदार गेंदबाजी कर रहे और उनके गेंदबाजी में अनुशासन दिखाई दे रहा है मिश्रण दिखाई दे रहा है। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये हेलीकॉप्टर जाके नारायण दादा के गोठोली गांव में लैंड हुआ है तो इस तरीके से ये सिक्सर यहाँ पे तान दिया है स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। इस खिलाड़ी को रोक पाना काफी मुश्किल है हर तरफ स्ट्रोक खेलते 360 डिग्री ये खिलाड़ी है इनको कहीं पे भी गेंद डालिए क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते। प्रकाश दादा के दफ्तर में हम लोग खाना खा रहे थे तब प्रकाश दादा बता रहे थे ये बहुत डेंजर खिलाड़ी है ये कहीं पे भी स्ट्रोक खेलते एक जब बेहतरीन खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी की पहचान कर सकता है और वही हमारे प्रकाश दादा ने किए उन्होंने इनके ऊपर सिक्का मार दिया ये खतरनाक खिलाड़ी है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है गोठोली 11 गोठोली का कुल स्कोर है 10 रन जबकि ये पांचवी गेंद प्रणीत इस बार पुल कर दिया है गेंद को डीप इन विकेट रीजन में गेंद जा रही है वहां पे क्षेत्ररक्षक है उन्होंने उमदा क्षेत्ररक्षण किया इतना आसान नहीं होता बाउंड लाइन की तरफ इस तरीके से क्षेत्ररक्षण करना काफी तेज प्रहार किया था गेंद के ऊपर स्वराज मात्रे जी ने लेकिन 1 रन के साथ कुल स्कोर है 11 रन 5 गेंदों के समाप्ति हुए पहला ओवर फेंका जा रहा है यहाँ पे पावर प्ले का ऑन साइड में देखते हैं एक बैकवर्ड स्कोर ले एक वाइड डिश मिड ऑन रखा हुआ है एक डीप मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन यह ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। इस बार स्ट्राइक में है बल्लेबाज प्रमोद उन्होंने इनसाइड आउट होके गेंद को कट कर दिया था गेंद जा रही है स्क्वेरिश थर्ड मैन रीजन में 1 रन के लिए ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति बाद गोठियोली 11 गोठियोली टीम का कुल स्कोर है 12 रन बगैर किसी नुकसान के बाद लक्ष्य है 58 रनों का मंजिल है 58 रनों की और जीत है 58 रनों की। स्टाफ अनाउंसमेंट एचके स्टाफ ने प्लीज कैश काउंटर ला कांटेक्ट करावे स्टाफ अनाउंसमेंट एचके स्टाफ ने प्लीज कैश काउंटर ला कांटेक्ट करावे। देखिए प्रथमेश ठाकरे भिवंडी के खिलाड़ी जिनको खरीद लिया है 11 लाख में हैदराबाद टीम ने ये सारे टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी है
तो खेल की तरफ रुख करते हैं। नया और प्रारंभ करते हुए यहाँ पे स्वराज मात्रे ने खाली क्षेत्र में गेंद को खेला है और गेंद जा रही है यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर और ये चार रन। सागर आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए, पहले ही गेंद के ऊपर उनको चौका जड़ दिया यहाँ पे स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। बिल्कुल नवी मुंबई के क्रिकेट के भट्टी में तपा हुआ खिलाड़ी है जिनका नाम है स्वराज प्रहलाद मात्रे। जिस तरीके से प्रहलाद मात्रे जी ने अपने जीवन में क्रिकेट खेली उसी का अनुकरण मानो कि उनका बेटा उनके नक्शे कदम पे यहाँ पे चल रहा है। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 16 रन गोटिवली 11 गोटिवली का। एक ओवर और एक गेंद की समाप्ति हुई है। सागर गेंदबाजी कर रहे स्वराज मात्रे जी के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे 30 गज के दायरे के बाहर से अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए। इस बार ये गेंद और कलाई के सारे फ्लिक करना चाहता, बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए स्वराज प्रहलाद मात्रे और पगबाधा आउट हो गए। एम्पायर उदय तांडेल सर की उंगली आसमान की तरफ और इस तरीके से स्वराज मात्रे आउट हो गए, वापिस जा रहे अपने डगआउट में थोड़े से निराश और मायूस होते हुए, क्योंकि उनको पता था कि उनका विकेट कितना कीमती है। बेश कीमती सफलता यहाँ पे सागर ने पाई है, 7 गेंदों में 15 रन यहाँ पे मुकम्मल किए स्वराज प्रहलाद मात्रे जी ने। अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, एक अच्छी नींव रखी है। पहले विकेट का पतन हुआ है गोटिवली 11 गोटिवली टीम का 16 रन के कुल योग पे। देखिए 16 रनों में से 15 रन अकेले स्वराज ने मुकम्मल किया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की है स्वराज ने। गाउदेवी शिरोने की गेंदबाजी जो है ये काफी घातक है, देखते इसके बाद स्वराज को आउट करने के बाद क्या वापसी कर पाएंगे यहाँ पे गाउदेवी शिरोने के गेंदबाज, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में, रोहित मात्रे विकेट कीपर गए और विकेट का मुआयना किया, क्षेत्ररक्षक का मुआयना किया, अब तैयार हो रहे खेलने के लिए। सागर गेंदबाजी कर रहे रोहित मात्रे के लिए, पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल हो गया है, कट मारा है स्क्वायर कट डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लेके बाहर 4 रन। क्या खूबसूरत यहाँ पे कट स्ट्रोक खेला था, पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे शफल होके, जैसे ही देखा गेंद ऑफोर विडी स्टंप पे कट मार दिया था डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर चली गई गेंद बंदूक की गोली की तरह 4 रन के लिए। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 20 रन गोटिवली 11 गोटिवली टीम का। ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है, एक विकेट का पतन हुआ है, आउट होने लगे बल्लेबाज है स्वराज मात्रे जिन्होंने 7 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा। नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत के हिट मैन इस नाम से रोहित मात्रे जी को जाना जाता है, बड़े जबरदस्त लाजवाब खिलाड़ी है, थोड़ा सा तिरछा खड़े रहते हैं अपने पॉपिंग क्रीज में। इस बार गेंद को उन्होंने खेला है स्वीपर कवर बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। देखिए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित मात्रे। रोहित मात्रे ने अपने जीवन में लेदर क्रिकेट जम के खेली है और अंडर 14 में भी उनका सिलेक्शन हुआ था मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, लेकिन दुर्भाग्य हम सभी का, नवी मुंबई वासियों का, ये जो खिलाड़ी है ये ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। लेकिन टेनिस क्रिकेट जगत में इन्होंने आपने हाथ बताए और दुबई का यानी कि खाड़ी देशों का दौरा करके भी यह आया है टेनिस क्रिकेट खेलते हुए, बड़े लाजवाब खिलाड़ी है। इन 4 रनों के साथ कुल स्कोर है 24 रन, जबकि ये दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे सागर गेंदबाजी कर रहे हैं और देखिए सागर के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे हमला बोल दिया है रोहित मात्रे हिटमैन ने। लगातार पिछले 2 गेंदों पे 2 चौके जड़े, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और एक स्वीपर कवर रीजन में, ऑफ साइड में देखे बैकवर्ड पॉइंट कवर पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ। इस बार यहां पे पुल कर दिया है और गेंद जा रही है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। किस तरीके से रोक पाओगे आप ऐसे खिलाड़ियों को, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं हिटमैन रोहित मात्रे और इस तरीके से इस सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 30 रन
एक विकेट के पतन के बाद, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे 14 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे रोहित, आते ही आते दो चौके और उसके बाद ये सिक्सर उन्होंने जड़ दिया सागर, जो कि काफी महंगे यहाँ पे साबित हो रहे। हालांकि उन्होंने स्वराज मात्रे जी का बेश कीमती विकेट निश्चित रूप से यहाँ पे प्राप्त किया है, लेकिन उसके बाद रोहित मात्रे हिटमैन इस बार ऑफ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन की तरफ, गेंद जा रही है, नहीं रुक पाएगी और ये 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे रोहित मात्रे हिटमैन, वाह भाई वाह रोहित, हर किसी का दिल इस रोहित मात्रे ने जीता। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है गोठिवली 11, गोठिवली टीम का 34 रन 24 गेंदों में। अब 24 रनों की आवश्यकता है गोठिवली 11 गोठिवली टीम को, और अभी भी 9 विकेटें उनके उनके डगआउट में बैठी हुई। सागर ने इस ओवर में एक सफलता प्राप्त की और स्वराज मात्रे का एकमात्र सफलता उन्होंने प्राप्त की। 24 गेंदे और 24 रन चाहिए अब जीतने के लिए। शुक्रवार को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ सुबह 11 बजे इस विकेट के ऊपर संपन्न हुआ था, वहां पे विकेटों की पूजा अर्चना की गई। हमारे दीवा कोलीवाड़ा के हमारे कई सारे भूमिपुत्र ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ पे आए हुए थे और इन सभी हमारे आदरणीय भूमिपुत्रों द्वारा विकेट की पूजा अर्चना हुई और उसके तुरंत बाद यहाँ पे मुकाबले की शुरुआत हुई। ये फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है दिलीप स्मृति चषक 2024 का, जिसके आयोजक है श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा। 57वां वर्ष है दिलीप स्मृति चषक का और क्या लाजवाब आयोजन, 16 टीम ने हिस्सा लिया। पहले दिन संतोष मात्रे सैंडी यहां पे आए थे क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे, बड़ी जबरदस्त आवाज है संतोष मात्रे की और क्या उमदा क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। और कल और आज यानी कि शनिचार और इतवार विघ्नेश मडवी जी यहाँ पे आए थे, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने भी अपनी बेहतरीन आवाज में हर किसी को मंत्रमुग्ध किया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संतोष मात्रे सैंडी और हमारे विघ्नेश मडवी। खेल की तरफ रुख करते हैं, नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज प्रथमेश, ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड करार दे रहे यहाँ पे उदय तांडेल सर। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर है 35 रन गोठिवली 11 गोठिवली का। 58 रनों का लक्ष्य है, 58 रनों की मंजिल है और 58 रनों का ये मेगा फाइनल अगर जीतेगी तो 58 रन मुकम्मल करने होंगे। इस बार यहाँ पे हुक मारा है, गेंद हवा में जा रही है और देखिए 3 खिलाड़ियों के दरमियान ये कैच, हालांकि पकड़ने का प्रयास किया था क्षेत्ररक्षक ने अमर ने, लेकिन हालांकि इतना आसान नहीं होता। देखिए लगभग उनको अपने पीछे की तरफ 20-25 गज अमर वारंगे, काफी बड़ा नाम है ये टेनिस क्रिकेट जगत का, एक उभरता हुआ क्रिकेट का सितारा, क्या प्रयास किया था। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 36 रन। अब रोहित मात्रे हिटमैन डेंजर मैन स्ट्राइक में क्या बल्लेबाजी कर रहे, मानो कि घर से ही सेट होके आए, लगातार ताबड़तोब स्ट्रोक खेले, चौका चौका छक्का और चौका। इस तरीके से किसी देश का ये पिन कोड है जिस तरीके से ऐसी बल्लेबाजी कर रहे और आउट, चारों खाने चित कर दिया। ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्ला पहले चला गेंद बाद में आई, लेट स्विंग हुई गेंद और गेंद सीधी जाके विकेटों से टकराई। अगर मेरे गेंद को आपने मिस किया तो मेरी गेंद आपके स्टंप को किस करेगी, ऐसी गेंद थी ये प्रथमेश की और आउट हो गए यहां पे रोहित मात्रे। लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी की रोहित मात्रे जी ने, 5 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्का जड़ा रोहित मात्रे जी ने। वेल प्लेड रोहित मात्रे, लाजवाब बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए।
नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, रुणाल नारायण मात्रे जी। ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, एक ऑलराउंडर काफी बड़ी ताकत होती है हर टीम की, और ये गोटोली 11 गोटोली टीम के पास एक से बढ़ के एक ऑलराउंडर है। रुणाल नारायण मात्रे गए, पिछले मुकाबले में देखा कि किस तरीके से मैच जिताऊ पारी खेली थी प्रिंस 11 कासार वडवली टीम ठाणे के सामने। इस बार ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई और वाइट का इशारा कर रहे प्रथमेश अपनी दिशा से भटके इस बार, और इस तरीके से एक रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 37 रन गोटिवली 11 गोटिवली टीम का, 58 का लक्ष्य उसमें से 37 अर्जित किए हैं। और इस बार देखिए देखिए ये खिलाड़ी कितने जबरदस्त फॉर्म में है, जैसे ही गेंद लेग आउट मिड स्टंप पे थी इतना आसान नहीं होता इस तरीके की गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से बाहर फेंक देना बाउंड लाइन के। बढ़िया फॉर्म में चल रहे यहाँ पे रुणाल नारायण मात्रे जी, इस सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 43 रन 43। सुमित ढेकड़े जो कि गंगाधर इंगोले के कप्तानी करते हैं ओपन के मुकाबले में, उनको 19 लाख में खरीदा है चेन्नई टीम ने, और फिर एक बार इस गेंद को पुल मारा है और मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक ने कैच पकड़ा है। अभी भी रुणाल मात्रे खड़े हैं अपने विकेटों के बीच में, और ये आउट। बीस गेंदे और 15 रन चाहिए अब गोटिवली 11 गोटिवली टीम को जीतने के लिए, जबकि उन्होंने 3 विकेटें यहां पे गवाई है। 20 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। नए बल्लेबाज गए मैदान के बीच में, मयूरेश पाटिल। नौशरा की तरफ अगर देखा जाए तो नौ स्ट्राइक में प्रमोद खड़े और गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रथमेश। इस ओवर में अब तक 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। 20 गेंदे और 15 रन चाहिए गोटिवली 11 गोटिवली को दिलीप श्रुति चषक 2024 के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे प्रथमेश, इस बार बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, गेंद देखते बल्ले से लगी थे या नहीं, 22 का इशारा कर रहे यहाँ पे एम्पायर उदय तांडेल सर, और इस तरीके से एक रन अतिरिक्त खाते पे। इस तरीके से अब गेंदे बची है 19 और रन चाहिए 14, 19 गेंदे और 14 रन चाहिए जीतने के लिए गोटिवली 11 गोटिवली टीम को, और अभी भी 7 विकेटे उनके सुरक्षित है। फिर एक बार गोटिवली गांव के जो भी ग्रामस्थ यहां पे आए हुए, उसी तरीके से शिरोने गांव से भी जो भी आज यहां पे भूमिपुत्र आए उन सभी का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। प्रथमेश इस बार ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद, किसी तरीके से गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, मोटा सिरा लिया, स्लिप के क्षेत्र में गई, एक रन की घोषणा हुई, और इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर है 45 रन। अब गेंदे बची है 18 और रन चाहिए 13, 18 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी गोठवली 11 गोठवली या संघाला, और अगर यहां पे जीत अर्जित करनी है
गाउदेव भी शिरोने टीम को, तो उनको बची हुई जो 7 विकेटें ये यहाँ पे प्राप्त करनी होगी। श्री कृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024 57वां वर्ष है। पहला इनाम 1,00,000, दूसरा इनाम 50,000। और यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे सामने की तरफ मंच के सामने रखी हुई ये बेहतरीन ट्रॉफी, बिल्कुल हूबहू आईपीएल की ये कार्बन है कॉफी यहाँ पे रखी हुई। मंदार बाएं हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए हवा में खेला है गेंद को, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्ररक्षक के हाथ से यहां पे कैच छूटा और गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे 4 रनों का। कैचेस विन द मैचेस, लेकिन यहां पे कैच छूटा, गेंद बॉर्डरलाइन के पार चले गई 4 रनों के लिए। अब आलम यह है गेंदे बची है 17 और रन चाहिए गोठिवली 11 गोठिवली टीम को 9, 17 चेंडू आणि 9 धावांची गरज, 17 गेंदे और 9 रन। मंदार मयूरेश के लिए इस बार बल्ले से लगी थी गेंद और 50 रन कुल स्कोर है गोठिवली 11 गोठिवली टीम का 3 विकेटों के पतन के बाद। गुरुनाथ पाटिल जी ने इशारा किया था, उदय तांडेल और गुरुनाथ पाटिल जी ने उमदा अपेयरिंग की है। ये चले गेंदबाज, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती हुई और वाइड का इशारा कर रहे हैं गुरुनाथ पाटिल जी, और मात्र अब जीतने के लिए चाहिए 7 रन, केवल 7 रनों की आवश्यकता है। इस बार ये लोग फुल टॉस गेंद थी, पुल किया है, गेंद हवा में जा रही है और वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र से कैच लपक लिया और ये आउट हो गए यहाँ पे मयूरेश। ये 4th झटका पहुंचा है गोठिवली 11 गोठिवली टीम को। फाइनल का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे दिलीप स्मृति चषक 2024 का गोठिवली 11 गोठिवली बनाम गाउदेवी शिरोने। ये जो नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए नीलेश पाटिल, क्या टीम खड़ी की है गोठिवली 11 गोठिवली की। एक जमाना था नारायण दादा, हमेशा ही ये टीम लड़खड़ा जाती थी जब जब भी बड़े बड़े मुकाबले होते थे, लेकिन नीलेश पाटिल जी ने पूरी तरह से अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी ली गोठिवली 11 गोठिवली टीम की और क्या टीम बनाई है, लाजवाब टीम। रायगढ़ हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, भिवंडी हो, हर तरफ गोठिवली 11 गोठिवली की इस युवा टीम ने नाम कमाया। ना केवल गोठिवली गांव का नाम कमाया नारायण दादा, बल्कि अखंड नवी मुंबई का जो क्रिकेट का परचम है ये हर तरफ लहराया। क्या क्रिकेट खेले पिछले 3 वर्षों को अगर देखा जाए तो गोठिवली 11 गोठिवली के टीम ने काफ़ी तेजी के साथ नवी मुंबई के क्रिकेट के जो अगर कहा जाए कि पहली 5 टीमें उसमें अपनी जगह बनाई, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मंदार, उनके सामने नीलेश पाटिल जी कहे नए बल्लेबाज, बिल्कुल शांत खिलाड़ी, किससे ज्यादा बातचीत नहीं करते, अपना काम करते, जो भी खेल खेलना है खेलते हैं नीलेश पाटिल। ये गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई लेग ब्रेक होती हुई, बिल्कुल बल्ला सामने किया था नीलेश पाटिल जी ने, गेंद को ढकेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी 51 के कुल योग पे अटका हुआ गोठिवली 11 गोठिवली टीम का। 14 गेंदे 7 रन चाहिए, इस बार जोरदार प्रहार किया है, गेंद हवा में गई है और ये आउट, मिड विकेट रीजन में कैच लपक लिया गया और नीलेश पाटिल गोल्डन डक का शिकार हुए, 0 के कुल योग पे आउट होकर वापिस जा रहे अपने डग आउट में। ये 5वां झटका पहुंचा है यहाँ पे ये गोठिवली 11 गोठिवली टीम को। अब आलम यह है गेंदे बचिए 13 और रन चाहिए जीतने के लिए, 7, 13 गेंदे और 7 रन चाहिए। प्रकाश दादा 300 लोकल लाइव बघता आहेत ही स्पर्धा, बघा बऱ्याच लोकांनी ही स्पर्धा पाहिले मागच्या 3 दिवसांपासून।
श्री कृष्ण मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा, इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 57वां वर्ष है। पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 50,000 चमचमाते हुए ट्रॉफी, पहला और दूसरा इनाम। 16 टीम इस प्रतियोगिता में खेली और ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, गोठिवली 11 गोठिवली बनाम गावदेवी शिरवने। नए बल्लेबाज गए नीलेश और ये स्क्वायर कट मारा था, हालांकि वहां पे कैच तो पकड़ा था वहां के शतरक्षक ने, लेकिन रोहित ने, लेकिन कैच नीचे टपका दिया। अगर ये कैच पकड़ते तो बेस्ट कैच हो जाता, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था और कैच नीचे गिर गया, कैच छूटा और यहां पे ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर गोठिवली 11 गोठिवली टीम का 51 रन। अभी भी 12 गेंदे शेष है और 12 गेंदों में 7 रन चाहिए। जयेंद्र मड़वी सर, आपने भी कई सारी जानकारी मुझे मुहैया कराई, खास करके श्रीकृष्ण दिवा के खिलाड़ियों के बारे में। जयेंद्र मड़वी जी एक बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोब बल्लेबाजी के लिए विख्यात खिलाड़ी है और मेरे को उन्होंने कई बार कहा कि हमारे अगर युवा खिलाड़ी अच्छी तरह से खेलेंगे तो हमारे जैसे खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो युवा खिलाड़ी और भी अगर 2-3 श्रीकृष्ण दिवा के टीम में आते तो निश्चित रूप से श्रीकृष्ण दिवा की टीम और तगड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। मंदार ने 1 ओवर गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए, 2 सफलता प्राप्त की। इस बार गेंद हवा में गई है, मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक के आगे की तरफ गेंद गई, उन्होंने करीब करीब अपने कंधे से गेंद को ढकेल दिया सामने की तरफ, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए थे और इस तरीके से 2 रन दौड़ के अर्जित किए बल्लेबाज प्रमोद ने। अब आलम यह है, गेंदे बची है 11 और रन चाहिए गोठिवली 11 गोठिवली टीम को 5। 11 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे हा फायनलचा सामना जिंकण्यासाठी, दिलीप स्मृती चषकावरती आपलं नाव लिहिण्यासाठी गोठिवली 11 गोठिवली या संघाला। प्रथमेश दानियाचं ओवर द विकेट, इस बार गेंदाने के इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को स्केयर कर दिया है, गली रीजन में गेंद जा रही है और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। प्रमोद ने यह रन मुकम्मल किया है, अब गेंदे बची है 10 गेंदे और 4 रन चाहिए जीतने के लिए। गोठिवली 11 गोठिवली टीम को 10 गेंदों में 4 रन चाहिए। यही वो टीम है जो क्षेत्रक्षण कर रही है गावदेवी शिरोने के, जिन्होंने 6 गेंदों में 4 रन नहीं दिए थे। जय बालाजी रबाले टीम को, देखते हैं क्या उस तरीके का करिश्मा यहाँ पे उनके गेंदबाज कर पाएंगे। बहरहाल प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने बल्लेबाज निखिल प्रमोद है स्ट्राइक में, निखिल नौशन की तरफ है। इस बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था प्रमोद ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, नीची रहती हुई गेंद, बिंदी गेंद। अभी भी रन जीतने के लिए चाहिए 4, 9 गेंदे और 4 रन चाहिए। प्रमोद है स्ट्राइक में, प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला था, किनारा लगा और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है, 6 विकेट का पतन हुआ है। आठ गेंदे और 4 रन चाहिए अब जीतने के लिए। छह विकेटों का पतन हुआ है और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। चिराग कुछ ज्यादा ही यहां पे स्पेशल लिया है मेरे ख्याल से गोठिवली 11 गोठिवली के खिलाड़ियों ने। गोठिवली 11 गोठिवली को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ये जो टीम मैदान के बीच में उतरी है गावदेवी शिरोने की काफी खतरनाक टीम है, इनका गेंदबाजी का क्रम काफी बेहतरीन है। 6 गेंदों में 4 रन नहीं दिए थे जय बालाजी रबाले टीम को इस टीम ने और मुकाबला आया था अंतिम गेंद पे 2 रनों की आवश्यकता थी और वो मुकाबला
गाउदेवी शिवरोने के टीम ने जीता। और प्रथमेश ने ओवर फेंका था, छह गेंदों में चार रन की आवश्यकता थी और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह नजर आते ये गेंदबाज जिनका नाम है प्रथमेश, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा उभर के सामने आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिनका नाम है प्रथमेश, प्रथमेश कुबार, नए बैटल गए। चिराग ने गेंद को खेला था मिड विकेट रीजन में, दो रन के लिए पलट रहे और दो रन दौड़ के अर्जित किया है जब तक थ्रो आता मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक का, और इन दो रनों के साथ कुल स्कोर है 56 रन। अब गेंदे बची है, अब गेंदे बची है सात और रन चाहिए दो, सात चेंडू आणि दोन धावांची गरज। सचमुच जिस तरीके से आदरणीय प्रकाश जी, किशन मडवी जी की जितने भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और उनके सारे टीम की, श्री कृष्ण मित्र मंडल की, क्या लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली स्मृति चषक 2024 का ये मुकाबला 57वां वर्ष है और लाजवाब क्रिकेट प्रतियोगिता अंतिम मोड़ पे ये क्रिकेट प्रतियोगिता पहुंची है। मात्र दो रनों की आवश्यकता है, गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज प्रथमेश, इस बार स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में एक रन के लिए। अब गेंदे बची है छह और रन चाहिए एक, गोटिवली 11 गोटिवली टीम को एक रन की आवश्यकता है छह गेंदों में। देखते हैं क्या कुछ करिश्मा हो पाता है या नहीं यहां पे। छह गेंदे और एक रन चाहिए, छह गेंदे और एक रन चाहिए और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहाँ पे गाउदेवी शिरोने टीम की तरफ से तलब किया जा रहा है गेंदबाज मंदार को। स्ट्राइक में जा रहे निखिल, निखिल पाटिल अब स्ट्राइक में जा रहे, देखते हैं क्या विनिंग स्ट्रोक निखिल पाटिल जी के बल्ले से यहाँ पे आएगा। छह गेंदे और एक रन, गाउदेवी शिरोने बनाम गोठिवली 11 गोठिवली, ये दो टीम यहाँ पे किताबी भिड़त के लिए एक दूसरे के साथ दो हाथ कर रही है। दिलीप स्मृति चषक के ऊपर देखते हैं कौन सी टीम अपना नाम लिखती है 2024 में। और ये गेंद देखिए लेग ब्रेक होती हुई, चकाती हुई, चकमा देती हुई बल्ले को, पहले स्लिप की तरफ गई। निखिल पाटिल स्ट्राइक में और गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मंदार, पांच चेंडू आणि एक धावांची गरज, पांच गेंदे और एक रन चाहिए जीतने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कहीं पे भी जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस बार देखिए ये गेंद भी बिंदी गेंद, लगातार दो गेंदे यहां पे बिंदी फेंकी है गेंदबाज मंदार ने, चार गेंदे और एक रन की आवश्यकता है, चार चेंडू आणि एक धावांची गरज है, चार गेंदे और एक रन चाहिए। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज मंदार और क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल अनुशासन दिखाई दे रहा है इस लंबे ऊंचे कथकाटी के गेंदबाज में। निखिल पाटिल स्ट्राइक में और इस बार इस गेंद को कवर रीजन में निकाल दिया निखिल पाटिल ने, और गोठिवली 11 गोठिवली चैंपियन हुआ है दिलीप स्मृति चषक 2024 का, लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया, वेल प्लेड बॉयज, आपका मैं यहां पे अभिनंदन करता हूं, क्या लाजवाब क्रिकेट खेला। लेकिन गाउदेवी शिरोने के टीम ने भी हर किसी का दिल जीता, वेल प्लेड गाउदेवी शिरोने। और इस तरीके से गोठिवली 11 गोठिवली की टीम चैंपियन रही है
दिलीप श्रुति चषक 2024 के ऊपर अपना नाम इस टीम ने यहां पे लिखा है। वेल प्लेड गोठिवली 11 गोठिवली। नीलेश पाटिल जी और उनके सारे टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। चला सर्व खेळाडूंना विनंती है कि आमच्या व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला या। सुभाष नाना फार फार धन्यवाद। आपण नेहमीच आम्हा सर्व क्रिकेट कॉमेंटेटरना जेव्हा जेव्हा सुभाष नाना इथे येतात तेव्हा तेव्हा त्या अद्रकच्या गोळ्या इथे घेऊन येतात। फार फार धन्यवाद नारायणजी म्हात्रे साहेब, फार फार धन्यवाद। आपला अमूल्य वेळ तुम्ही दिलात आणि या स्पर्धेदरम्यान इथे उपस्थित राहिलात। पुन्हा एकदा सांगतोय श्रीकृष्ण मित्र मंडळ आयोजित दिवा कोळीवाडा यांच्या वतीने आयोजित दिलीप स्मृती चषक 2024 वरती गोठिवली 11 गोठिवली या संघाने आपलं नाव लिहिलंय। हा चॅम्पियन ठरलाय संघ। निलेश दादा आपल्याला माहिती आहे की एक लाईन मध्ये जा, सगळ्यांनी लाईन अप करा।